जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है बच्चों को भेजने के बाद। तो मैंने जो भी काम थे वो मैंने सारे निपटा लिए हैं। सुबह के जितने भी काम होते हैं छोटे मोटे चटरपटर के, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। बच्चों को भेजने के बाद के भी जो काम होते हैं वो भी मैंने सारे कर लिए हैं। तो बस अभी मैं नहा तो मतलब सुबह में ही लेती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे से सारा काम हो जाता है। बच्चों का टिफिन वगैरह लगाना सब हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे चल रही है मेरी पूजा, और सुबह सुबह मैं भजन चालू कर लेती हूँ मोबाइल में और सुनती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ, तो अच्छा भी लगता है और मन भी खुश रहता है। तो जहाँ पे भी मैं अभी भजन चला रही थी, लेकिन कॉपीराइट आता है ना, तो बीच बीच में से कट कर करके हम, फिर मुझे बहुत ज़्यादा कट करना पड़ता है। अंदर पूजा करने के बाद आ गई मैं बाहर, तुलसी पे दिया जला दूंगी। और सुबह का जो टाइम होता है इतना शांत होता है, इतना अच्छा लगता है। अभी सारे बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो जब बच्चे चले जाते हैं, बच्चे जब जाते हैं तब तो थोड़ा थोड़ा मतलब चहल पहल होती है बाहर, लेकिन जब चले जाते हैं तो बहुत शांत माहौल हो जाता है एकदम। वो इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह जो धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो नहा के जब धूप में जाओ तो वहाँ से अभी उठने का मन नहीं होता और आलस भी आने लगता है। तो बस मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर बाद, और अब सारे काम मेरे निबट गए हैं। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर किचन में, तो मैं बैठ ही नहीं हूँ बिल्कुल, और बैठ जाऊँगी तो फिर आलस आने लगता है, तो मैं बैठ ही नहीं हूँ। मैं कि पहले चाय बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं बैठूँगी थोड़ी देर और अपने वीडियो का काम करूँगी। अभी मेरी वीडियो रह गई है, तो वीडियो की एडिटिंग करनी है मुझे। तो जहाँ पर जो बर्तन थे रात के नहीं थे, सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, तो वो मैंने अभी रख दिए, लगा दिए हैं। और जहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, ये अभी सो रहे हैं, तो पियेंगे तो पी लेंगे और नहीं पियेंगे तो फिर मैं पी लूँगी, वो बाद में पी लेंगे, अभी सो रहे हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने उठाया अभी नहीं है। तो ये नारियल मैंने निकाला था दीपावली पे, आधा तो ऊँची हो गया, आधा इसमें मतलब लग गई, जैसे लग जाती ना और काला काला लग गया इसमें, इसको कुछ न कुछ मैं यूज करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे दीपावली पे जो नारियल लेके आए थे सूखे वाले, तो इसमें से आधा ही यूज हुआ था और बाकी पूरा खराब हो गया। पिछली बार भी मैं लेके आई थी, वो पूरा खराब हो गया, तो पूरा मुझे फेंकना पड़ा, वो तो ज्यादा ही खराब हो गया। ये तो मैंने अभी देख लिया, तो इसको मैं यूज कर लूंगी। और कट जाए तो मतलब फ्रिज में रख देना चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो मिर्ची ख़त्म हो गई थी, पैकेट तो ला के रखा था और लेकिन मैंने डाल नहीं पाई, तो अभी मैंने इसमें डब्बे में डाल के रख दिया है। डब्बा मतलब धुला नहीं था, थोड़ी भी मिर्ची बाकी थी उसमें रह गई थी। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है और बढ़िया कड़क सी मैंने चाय बनाई है। मतलब पत्ती तो मैं कम डालती हूँ, लेकिन उसको पकाती तो मैं बहुत हूँ, और पत्ती अदरक वगैरह तो मैं बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन गई है, 2 कप चाय बन के रेडी हो गई है, और अभी मैं लेके जाऊंगी बाहर, तो मैं बैठ के बाहर पीऊंगी। अभी जो उठे नहीं है तो इनका कप मैं रख दूंगी, मैंने डाल के रखी है। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी, अपने बाल वगैरह बना लिए हैं और मैंने थोड़ा अपना वीडियो का काम किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो वीडियो की एडिटिंग करते हैं उसमें टाइम लगता है। तो मैं इसी टाइम पर कर लेती हूँ, जब काम अगर जल्दी हो जाता है तो सुबह का टाइम मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो जहाँ पे जो फ्रूट लेकर आए थे वो मैंने भर के रख दिए हैं, अभी धो के मैं रख दूँगी, तो अभी बाहर रख दिए थे, बाहर नहीं मैं इधर ही रखूँगी, अभी धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं लगूँगी खाना बनाने। तो खाने का भी टाइम हो गया है, जब तक बनाऊंगी बच्चे आ जाएंगे। और सुबह में बनाए थे पनीर के परांठे, तो अभी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, चावल और सब्जी बनाऊंगी, मतलब जो मशरूम लेके आए मटर मशरूम वो बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो सुबह में पनीर के परांठे बने थे, ये लेकर भी गए थे और खा के भी जाते हैं, तो एक एक पराठा खा गए थे दोनों।
तो बस अभी फिर वो खाएंगे नहीं, रोटी और चावल ही बनाऊंगी। तो सुबह में जब पराठे बनते हैं तो फिर मैं दोपहर में चावल बनाती हूँ और सब्जी बना लेती हूँ, कोई भी जो चावल से खाने लायक, या तो दाल चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने मशरूम अच्छे से धो ली है और बहुत काली काली हो रही थी, तो मैंने अच्छे से रगड़ के धो मतलब धोई है, और धोने के बाद मैंने काट भी ली है। यहाँ पर मैंने मसाले की सारी तैयारी करके रखी है, मतलब सब प्याज वगैरह सब काट के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है सरसों का, इसमें डाल दूंगी जीरा, थोड़े खड़े मसाले, इधर और प्याज काट अभी के रखी है, दो दो प्याज हैं, 3 हरी मिर्ची हैं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो आधा डालूंगी इसमें से, पूरा नहीं डालूंगी, और 2-3 टमाटर, छोटे छोटे टमाटर थे। इधर मटर, जो फ्रोजन मटर होती है वो वाली मटर है, इसमें कुछ खड़े गरम मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग, जीरा, और एक तेज पत्ता है, दालचीनी है, और एक बड़ी इलायची है। प्याज अच्छे से पक गई थी, अभी डाल देती हूँ उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं थोड़ी देर पका लूँगी। तो लहसुन अदरक के साथ में मैंने जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च पीस ली थी, तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पका लिया था थोड़ी देर पका के, और इसमें डाल दिया मैंने टमाटर की प्योरी जो बना के रखी थी, और इसमें डाल देती हूँ नमक, और जो मसाले हैं वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, किचन का एक मसाला, और जो हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर सारी चीज़ मैंने डाल दी, थोड़ी देर डाल दूंगी इसमें पानी, मतलब थोड़ी देर मैंने पका लिया था मसाले को, वो फटाफट मैंने वीडियो दिखा दी है, और उसके बाद मैंने पानी डाल के मसाले को थोड़ी देर भून लिया था। अभी डाल दिए मैंने इसमें मशरूम और मटर साथ में ही डाल दिए, तो मटर को मैंने बॉईल नहीं किया है, इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, पका के मैं ढक के छोड़ दूंगी, और तब तक पकते ही रहेगी, और मतलब धीमी आंच पे कर दूंगी, और पकती रहेगी तो अपने आप पानी छोड़ती है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पतली रखनी है तो पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बनाने रख देती हूँ चावल, और तब तक हिमांशु भी आ जाएगा, रक्षा थोड़ी लेट आती है, तब तक बन जाते हैं, हिमांशु तुरंत निकलता है कोचिंग, तो फिर मुझे जल्दी मतलब बना देती हूँ उसके लिए। अभी वो क्या है, रक्षा को लेवाने भी जाता है तो उससे पहले खाना खा लेता है, तो बस यहाँ पे मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए। चावल जब सीटी लग जाते हैं तो उसके दे मतलब थोड़ी देर तक उसमें कुकर में मतलब रहते हैं तो सही बनते हैं, नहीं तो फिर बात तुरंत निकाल लो ना तो थोड़े कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। तो चावल रख दिए मैंने पकने के लिए, जहाँ पे सब्जी भी बन चुकी है, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के और ढक के छोड़ दिए, थोड़ी देर पकाऊंगी, क्योंकि सूखी सूखी सी लग रही थी, फिर चावल से खाने में सूखी सूखी सी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, थोड़ी ग्रेवी हो जाएगी। तो बस अभी खाना बन चुका है, और गैस वगैरह मैंने सब साफ कर दिए हाथ के हाथ, और यहाँ पे जे गए थे अपने कुछ काम से, तो इनका तो सुबह सुबह यही रहता है, तो बस अभी मतलब आ गए हैं, तो अभी मैं लगा दूंगी खाना सभी के लिए, तो कुछ काम से गए थे, मतलब कुछ जरूरी काम था उसी से गए थे, तो यहाँ पे हिमांशु भी आ चुका है, और ऐसे होते ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी खा लेते हैं खाना, खाना खाने का टाइम हो गया, रक्षा आएगी लेट, और उसके लिए फिर मैं तो नहीं बैठती, मैं भी खा लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ थाली हिमांशु के लिए और इनके लिए, दोनों के लिए मैं दे दूंगी। तो यहाँ पे चावल और मटर मशरूम की सब्जी है, सैलेड है, सैलेड में सिर्फ प्याज है और बाकी अभी कुछ है नहीं, तो मंडी जाएंगे, देखते हैं कल जाएंगे या तो लेकर आएंगे। यहाँ पे दोनों के लिए मैंने दे दिया है, मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है और मैं भी खा लेती हूँ साथ में, और अभी हिमांशु जाएगा रक्षा को लिवाने, उसका फोन आएगा तो फिर उसको लिवाने जाना पड़ता है। तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने बैठी नहीं थी, तो मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बर्तन मैंने धोना शुरू कर दिए हैं, तो बस अच्छे से मैंने मल लिए थे, और जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने पहले धो के हैं, सिंक में से हटा दिए, तो नहीं तो फिर पूरा सिंक भर जाता है और फिर धोने में ना दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, बड़े बड़े जो बर्तन है वो मैं पहले निपटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ, फिर छोटे छोटे बर्तन बाद में माँज देती हूँ। तो बस बर्तन वगैरह किचन भी मैंने अच्छे से साफ सूफ कर दी थी, और इतना ज़्यादा तो गंदी थी नहीं, मगर फिर भी मैं कर देती हूँ, मुझे ना एक सी किचन हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो जहाँ पे फ्रीज में मिठाई मतलब मिठाई इतनी सारी रखी है मैं करी, और खा भी नहीं रहे हैं बच्चे, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मैसी मैसी हो रहा था वो मैंने सब एक सा करके और छोड़ दिया है,
उसके बाद यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे हमने मंदिर लगाया था लक्ष्मी जी, जहाँ पे हमने पूजी थी, तो वहां से जो ये लड़ी वगैरह लगी थी वो मैंने निकाल दी है और अभी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। बाहर की लड़ी अभी लगी है तो वो तो ये लोग ही निकालेंगे, मैं तो नहीं निकालूंगी, तो इनको मैं रख देती हूँ पन्नी में लगा के। और ये लड़ी तो मुझे मंदिर में लगवानी है, मंदिर में लड़ी लगी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो स्विच दी है ना वो थोड़ी सी मतलब गोदरेज के पीछे पड़ रही है, तो उससे लग नहीं रही है। तो जहाँ पे जो लेके आए तुरपाल, क्योंकि अभी लगाएंगे जहाँ पे गार्डन किया है वहाँ पे, तो उसके लिए अभी लेकर आए थे मार्केट से, तो बस वो मैंने रख दिए उठा के, अभी कल लगाएंगे। और जहाँ पे पनीर बना रही थी, मतलब जो दूध मैंने गर्म किया था सुबह में, तो थोड़ा सा दूध मतलब कल का भी बचा था, तो इसमें मैंने पनीर बना दिया। बहुत बच रहा है, तो इस बार दीपावली को भी मैंने मतलब 2 बार बनाया था इकट्ठा कर करके दूध, क्योंकि मानसू के जब से पेट में दर्द हो रहा था मैं उसको दूध दे भी नहीं रही हूँ, अभी कम दूध दे रही हूँ, दूध की वजह से ना और ज्यादा दर्द होता है पेट में। अभी पनीर बना देती हूँ, उस दिन से तो पनीर भी 2-3 बार मैं बना चुकी, तो परांठे बना लेते हैं, कभी सब्जी बना लेते हैं, तो अभी बस अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। आज मैंने परांठे बनाए थे पनीर के सुबह में, तो चलिए इसको मैं कपड़े में बांध के छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद आप देख सकते हो मैंने अभी निकाल लिया है, और इसको पानी में डाल के मैं रख दूंगी फ्रीज में, कल इसका कुछ बनाएंगे। इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो का एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।